कुछ लोग पूरी उम्र पूजा पाठ में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें भगवान का कोई एहसास नहीं होता, ना ही उन्हें भगवान दर्शन देते और ना ही कभी उन्हें भगवान का एहसास होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भगवान सच में है, और ये हमेशा से एक चर्चा का विषय बना रहा है। इस सवाल ने इंसानों को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक आस्तिक और दूसरे नास्तिक। इसके बारे में तुम सभी जानते हैं, लेकिन आज की कहानी क्यों खास होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी में हम जानेंगे भगवान बुद्ध का क्या मानना था भगवान को लेकर। इससे पहले आपके जो भी विचार रहे हो, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपके विचार बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हो जाएंगे कि भगवान है या नहीं है, अगर है तो उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही बड़ा विद्वान क्षत्रिय आदमी था। इस आदमी के ज्ञान के आगे बड़े बड़े विद्वान हार मान जाते थे। जहाँ भी ज्ञान की बातें होती या शास्त्रार्थ होता तो यह आदमी वहाँ पर पहुँच जाता और अपने ज्ञान से सबको हैरान कर देता था। इतना ज्ञान होने की वजह से इस आदमी को अपने ज्ञान पर घमंड होने लगा था, खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगा था। उसे लगता था कि वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, सब उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। एक दिन इस आदमी को बुद्ध के बारे में पता चला कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इससे इस आदमी को अपने ज्ञान को और ज्यादा श्रेष्ठ दिखाने का मौका मिला। उसने सोचा कि वो बुद्ध के पास जाकर उनसे शास्त्रार्थ करेगा और उनके ज्ञान को झूठा साबित कर देगा, जिससे उनकी ख्याति और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब वो बुद्ध से मिलने जा रहा था, तब उसे पता चला कि बुद्ध ईश्वर के बारे में बातें नहीं करते। तब उसने एक योजना बनाई कि वो बुद्ध से ईश्वर के बारे में ही पूछेगा। वो बुद्ध के आश्रम में पहुंचकर उनके पास गया और उनसे कहा, हे बुद्ध, मेरा नाम बोरंगा पुत्र है, मैं एक क्षत्रिय हूँ और मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। मैंने सुना है कि आपको परम सत्य की प्राप्ति हुई है, कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर है या नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में ईश्वर के बारे में जानना चाहते हो या फिर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहते हो। वो आदमी बोला, हे बुद्ध, क्या आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन क्या तुम इनके जवाब के लिए कुछ दाव पर भी लगा सकते हो, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर सहज नहीं मिलता है। ये आदमी अपने घमंड में इतना चूर था कि अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसीलिए उसने बिना सोचे समझे बुद्ध से कहा कि आप जो भी बोलेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा। मैं आपको धन संपत्ति सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मेरे सवाल का उत्तर दे देते हैं तो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आदमी ने कहा, फिर क्या चाहिए आपको। बुद्ध ने कहा, तुम्हें 2 सालों तक मेरे पास रहकर मौन धारण करना होगा। अगर तुम यह कर लेते हो तो मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। ये सुनकर उस आदमी को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने सोचा कि ये बुद्ध ने क्या मांग लिया, इसका मतलब ये हुआ कि 2 वर्षों तक मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन ही नहीं कर पाऊंगा। इससे तो अच्छा होता कि बुद्ध मेरी जान मांग लेते, लेकिन ये आदमी क्षत्रिय था और इसीलिए जुबान का पक्का था। वो कह चुका था कि वो सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार है, इसीलिए वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर बुद्ध से कहा कि मैं तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा कि आज तुम आराम करो, कल से मौन शुरू कर देना। वो आदमी पूरी रात बेचैन रहा, उसे नींद भी नहीं आई। वो सोच रहा था कि मैं कहाँ फंस गया, अच्छा खासा अपने रास्ते जा रहा था, यहाँ तो मेरी बाजी ही उल्टी पड़ गई। अगले दिन वो उठा और उसने मौन शुरू कर दिया। उसने एक दिन तो जैसे तैसे निकाल दिया, लेकिन दूसरे दिन वो बेचैन हो गया। उसे एक एक पल काटना बहुत भारी लग रहा था। ऐसे ही करते करते 4 महीने निकल गए। वो बुद्ध के शिष्य को उनसे प्रश्न करते देख जवाब देने के लिए बहुत व्याकुल हो जाता था। इन 4 महीनों में वो बहुत बदल गया था। उसे क्रोध आने लगा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता था। वो हमेशा गुस्से में लाल रहता, जैसे सुदबुद्ध खो दिए हो। वो हताश और निराश होकर इधर उधर देखता रहता। एक दिन वो बड़ा सा पत्थर लेकर बुद्ध के पास गया
और उसे वहीं पर पटक कर वहां से चला गया। ये देखकर बुद्ध उसके पीछे गए और उसे एक तालाब के पास ले जाकर कहा कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए मौन तोड़ने के लिए इजाजत देता हूँ, तुम चाहो तो तुम मुझसे कुछ पूछ सकते हो। उस आदमी ने नामे सर हिला दिया। इस पर बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तो तुम मेरे सवालों का जवाब गर्दन हिला कर देना। इस तालाब में देखो, क्या तुम्हें चंद्रमा दिखाई दे रहा है? आदमी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर बुद्ध ने कहा कि तुम इस तालाब में एक पत्थर फेंको। आदमी ने एक पत्थर लेकर तालाब में फेंक दिया। बुद्ध ने कहा कि क्या अब तुम्हें चंद्रमा पहले की तरह स्पष्ट दिख रहा है? आदमी ने ना में सर हिला दिया। इसके बाद बुद्ध ने कहा, जैसे शांत पानी में चंद्रमा वैसा ही दिखता है जैसा कि वो होता है, और जैसे ही तुमने उस तालाब में पत्थर फेंका तो वो चंद्रमा स्पष्ट दिखाई देना बंद हो गया। ठीक उसी प्रकार जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हें सत्य या कहे परमात्मा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब तुम्हारे अंदर विचारों की हलचल पैदा होती है, मतलब तरह तरह के विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो उसमें सत्य दिखाई नहीं देता। इसलिए बाहरी मौन से ज्यादा जरूरी है अंदरूनी मौन, भीतर से शांत होना, विचारों को शांत करना, तभी हम सत्य को स्पष्ट देख पाएंगे। फिर बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि इतने महीनों तक तुमने मौन रहकर जो ऊर्जा अपने अंदर इकट्ठी की, वो ऊर्जा क्रोध के माध्यम से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है। उसके लिए सिर्फ क्रोध ही एक माध्यम है बाहर निकलने का, लेकिन अगर तुम अपने विचारों को इस वक्त भी संयमित कर लेते हो तो वही ऊर्जा जो बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है, वो तुम्हारी सत्य या परमात्मा की खोज के लिए ताकत बन जाएगी। इसलिए क्रोध करके उसे बर्बाद मत करो, उसे अपने शरीर में समाहित कर लो, खुद को शांत पानी के समान कर लो, ताकि खुद की परछाई को तुम देख पाओ। ये बात उस आदमी की समझ में आ चुकी थी। उसने 2 साल तक बाहरी व आंतरिक रूप से मौन धारण किया, खुद को शांत बनाया। 2 साल बीत जाने के बाद बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे मौन के 2 साल बीत चुके हैं, तुम्हें जो पूछना है वो पूछ सकते हो। उस आदमी ने 2 साल बाद पहली बार कोई शब्द बोला था और वो शब्द था बुद्ध। उसकी वाणी में इतना आकर्षण था, इतनी करुणा थी कि हर कोई उसे सुनना चाहता था। तब उस आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, जब मैंने आपसे उस समय प्रश्न किया था तब मैं खुद को एक श्रेष्ठ ज्ञानी मानता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि खुद को ज्ञानी समझना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। असल में जब मैंने सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया तब मुझे यही एहसास हुआ कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं, परमात्मा की बसाई सृष्टि में कितने ही रहस्य छुपे हैं, और हमें लगता है कि हम सब कुछ पहले से ही जानते हैं, और इसी विचार ने मेरे जानने की क्षमता को बंद कर दिया था। पहले मैं बातें कर करके हमेशा बकबक करके अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता था, लेकिन इन 2 सालों में मौन रहकर मैंने जाना है कि मौन की ऊर्जा क्या होती है, मौन रहकर हमारे शरीर में कैसी ऊर्जा बनती है, ये मैंने इन 2 सालों में भली भांति जान लिया। शुरुआत में मैंने बाहरी मौन अपनाया था, लेकिन अंदर से मैं बहुत विचलित था। विचारों की बाढ़ से आती रहती थी जो मुझे क्रोधित कर देती थी, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प के कारण मैंने अपने मौन को नहीं तोड़ा, और कुछ समय बीतने के बाद मेरा वो क्रोध भी शांत होता चला गया और मैं अंदर से मौन हो गया, और उसी के बाद मैंने सत्य की या कहे परमात्मा की अनुभूति की। प्राचीन तिब्बत में लवत्सु नाम के बहुत बड़े भिक्षु रहा करते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और बोला कि महात्मा जी, मैं आपके सत्संग में नहीं आ सकता, क्या आप मुझे एक वाक्य में पूरे धर्म का सार बता सकते हैं? तब लवत्सु ने कहा, मौन। इसके बाद उस आदमी ने पूछा कि मौन किस तरफ ले जाता है? तब लवत्सु ने कहा, ध्यान। और फिर उसने पूछा कि ध्यान किस तरफ ले जाता है? तब लवत्सु ने कहा, मौन। अगर हमारी इस कहानी को एक भी आदमी समझ लेता है तो इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।